एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिले। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है। भिवाणी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए दो सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि एक भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।